तो वीडियो का थंबनेल देख के आपको पता लगा ही होगा दोस्तों कि आज मैं किस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि सीओ एनालिसिस का कंसेप्ट बताइए, उन्होंने बहुत सारा कमेंट किया था, तो उनके लिए मैं वीडियो रिकमेंड करता हूँ। और आज मैं उसी के साथ में आज आपको दो ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि आप स्पेसिफिक लिमिट में आप क्वार्टर और फाइनल साइड किसे कहा जाता है, और दूसरी बात, और इसी स्पेसिफिक लिमिट से आप ग्रेडेशन करने से पहले आप अपना वेट अंडरस्टैंड कर सकते हो कि किस वेट कैटेगरी में आपका सीयू और स्पेसिफिक लिमिट पास हो जाएगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये थोड़ा सा ये अपना जो ग्रेडेशन है वो मैं फिलअप करके लेता हूँ, फिर बाद में आपको समझाता हूँ, ठीक है। हाँ, तो अभी मैंने इतना फिलअप करके लिया हुआ है, तो पहले आपको मैं बताता हूँ कि मैंने वेट ऑफ सैंपल जो लिया हुआ है यहाँ पे 2000 ग्राम लिया है। तो इसी के हिसाब से अगर ISU में हमारा सीयू साइज देखेंगे तो 40 mm से स्टार्ट होता है, तो 40 mm सीयू में हमारा स्पेसिफिक लिमिट जो दिया हुआ है 100% पासिंग दिया हुआ है, तो इसी के हिसाब से यहाँ पे वेट रिटर्न होगा 0, तो ये हमारा परसेंटेज ऑफ पासिंग आएगा 100। तो मैंने सेकंड जो परसेंटेज ऑफ पासिंग मैंने बैक कैलकुलेशन से कैलकुलेट किया है इसको। अगर आपको बैक कैलकुलेशन और राइट कैलकुलेशन अगर सीखना है तो मैं लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, एकदम डिटेल में मैंने वहाँ पे समझाया आपको। तो तब तक के लिए तो 85% मैंने यहाँ पे लिया हुआ था परसेंटेज ऑफ पासिंग। इसी तरीके से मैंने इसका वेट कैलकुलेट किया है 293, ठीक है। तो सेकंड 67% ले लिया, और इसी के हिसाब से मैंने बैक कैलकुलेशन करके ये वेट निकाला 362। ये दो जो है हमारा स्पेसिफिक लिमिट में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसी और स्पेसिफिक लिमिट से मैं आपको वेट कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा कि जैसे कि 63 से आप किस तरीके से आपका मैक्सिमम वेट और 85 से मिनिमम वेट, या तो 80 से आपका मैक्सिमम वेट और 100 से आपका मिनिमम वेट किस तरीके से आप ग्रेडेशन होने से पहले कैलकुलेट कर सकते हो। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, स्किप ना करिए बिल्कुल भी, अगर स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, वीडियो थोड़ा थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये तो हमारा स्पेसिफिक लिमिट में बैठा नहीं है, ये फेल हो गया, तो आप इसको किस तरीके से राइट कर सकते हो, या आप इसमें कितना 37 है, 42 - 37 यानी कि आपका 5% से ग्रेडेशन जो है फेल हो गया, तो आप इसको राइट करना है। तो आप सबसे पहले तो रिक्वायर्ड वेट देखोगे कि मिनिमम वेट आपका कितना होना चाहिए और मैक्सिमम वेट कितना होना चाहिए। तो हम 42 से निकालते हैं पहले वेट कितना आएगा, और 68 से भी निकालेंगे कि वेट कितना आएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि वेट मिनिमम कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए। तो हम 42 से निकालेंगे 100 - 100 - 42, दैट इज 58 × 2000 / 100, 1160, ये हमारा कम्युलेटिव वेट आ गया। 42 से 1160 हमारा, ये नोट करिए कहीं पे, 1160, ठीक है, ये हमारा मैक्सिमम वेट होना चाहिए। और मिनिमम निकालते हैं 100 - 68 × 2000 / 100, 640, ये हमारा दो वेट होगा। तो हमें इससे समझ में आता है कि 68 से अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 640 आता है, और 42 से अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आता है 1160, ठीक है। तो आपसे आपको इससे समझना है कि अगर आप, और मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें फाइनल लिमिट कौन सा है और क्वार्टर लिमिट कौन सा है, इसके हिसाब से आपको ये अंडरस्टैंड होने में आसानी होगी। तो ये जो 63 है आप इसे कहेंगे क्वार्टर लिमिट, और ये 85 जो है ये इसको आप कहेंगे फाइनल लिमिट। जैसे कि आप वेट से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि क्वार्टर लिमिट हमें इसे क्यों कहना है, क्योंकि इसका जो वेट है मैक्सिमम है, ठीक है, और इसका जो वेट है ये मिनिमम है 68% लोगे तो वेट मिनिमम होगा, अगर 42% लोगे तो वेट मैक्सिमम होगा। इससे समझ में आता है कि आपका 4.75 का सीव अगर 1160 होता तो ये 42 आता,
और वही अगर वेट 640 होता तो ये 68% होता जो कि फाइनल साइड में चला जाता, और 1160 होता तो वो 42 यानी कि कोर्सर साइड में चला जाता है। तो ये मैं समझता हूँ कि आपका ये कंसेप्ट एक क्लियर हुआ होगा। तो और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से इसको राइट कर सकते हो। तो आपको तो पता चल गया कि 42 का जो है वो 1160 होना चाहिए। अगर समझिए 1160 ये मैक्सिमम वेट है, अगर आप इससे कम लोगे वेट तो ये आपका पास होना ही होना है। तो हम लेते हैं इसको 1160 के बजाय हम लेते हैं 1120, ठीक है। ये आपका 1120 जो है ये कम्युलेटिव वेट है, ओके। कम्युलेटिव वेट डिवाइड टोटल वेट 2000 ग्राम मल्टीप्लाई 100 करेंगे, ये आ गया आपका 56 माइनस 56 जो है ये आपका रिटेन परसेंटेज आएगा। तो माइनस आपको 100 करना है, ये आपका आएगा परसेंटेज ऑफ पासिंग यानी कि 44%। ये आ गया 44% यानी कि आपका स्पेसिफिक लिमिट में वैल्यू आ गया। तो आप इसी तरीके से हर एक सीव का कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर गलत होता है तो राइट किस तरीके से करना है ये मैंने आपको अभी बता दिया। तो इस तरीके से आप अपना ग्रेडेशन सही कर सकते हो। और दूसरी बात मैंने आपको बताया कि किस चीज़ को कोर्सर कहना है और किस तरीके किस लिमिट को आपको फाइनर कहना है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आपका ये अभी जो है ये आपका सीव फेल हो गया तो आपको यहाँ पे बढ़ाना है या कम करना है, घटाना है या बढ़ाना है, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, 4.75 का सीव है ये जो आपका कम आ गया, लेकिन आप इसके अंदर मटेरियल घटाएंगे या बढ़ाएंगे, दैट्स क्वेश्चन है ना। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको मटेरियल यहाँ पे कम करना है क्योंकि ये चला गया कोर्सर साइड चला गया। इसके लिए आपको अगर यहाँ पे आप मटेरियल आपका वेट थोड़ा कम करेंगे तो ऑब्वियसली आपका ये जो लिमिट है ये मिडल में आएगा और ये पास होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों ये आपको सब कैलकुलेट करना है। मैं तब तक के लिए कैलकुलेट करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो इसी तरीके से दोस्तों मेरा कैलकुलेशन हो गया है। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि ये मिनिमम और मैक्सिमम वेट तो आपने इसे निकाल ले लिया कि मिनिमम वेट और मैक्सिमम वेट क्या होता है। इसी तरीके से आपको एक और बात ध्यान में रखना है कि आप अगर ग्रेडेशन कर रहे होंगे तो ग्रेडेशन करते समय फाइनर और कोर्सर साइड का जो मटेरियल होगा उसके हिसाब से आपको ग्रेडेशन में सही करना है। अगर आपका वेट कम आता है तो वो कोर्सर साइड में चला जाता है, अगर वेट ज़्यादा होगा तो फाइनर साइड में चला जाएगा। तो इसके हिसाब से आपको कोर्सर और फाइनर ध्यान में रखते हुए आपका ग्रेडेशन आपको सही करा के लेना है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, कुछ आपने इससे लिया होगा। तो अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि आपने ये वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आपको कोई टॉपिक सोचता है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिए, मैं उसका जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करूँगा।